भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं डरेंगे गुरकी से, कि भाई यहाँ पे जातीय भेदभाव हो रहा है, और स्कूल के प्राचार्य हैं जो उन्होंने खुद लिख के दे दिया कि मेरे स्कूल के, तो हम है ना सीएम की जो कोठी है उसका घेराव करने का भी काम करेंगे। उसका घेराव इसलिए करेंगे कि उन्होंने जो अपना निवास स्थान है शेड्यूल कास्ट के वोट लेने के लिए उसका नाम कबीर निवास रख दिया। कबीर निवास रखने से शेड्यूल कास्ट का भला नहीं होगा। चमारों को जिन वाल्मीकियों के बच्चों के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, हम उस कौम के लोग हैं, हमने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया, हम शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं, नहीं तो हम लोग उस कौम के व्यक्ति हैं, हम लोग है ना चमड़े को पाड़ के और पाँव के अंदर जूती डालने का काम करते हैं। ये तो हमें मजबूर ना करो कि हमें संविधान को तोड़ करके कुछ बात करनी पड़ेगी। स्पष्ट शब्दों में मैं चेताना चाहता हूँ आज इस सफेद प्रशासन को, हम आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, सफेद से आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, पीछे आपको दिखा बच्चों को है जाति सूचक के बारे में जो बोला गया है उसी लेकर आपको शहीदों के शहीदों में जो शहीदों का भी जो चौक है पुराना बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और देखते हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही जो इस वक्त है मामला ये है कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं इसके पीछे एक स्कूल है यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा स्कूल था और पूरे क्षेत्र के पूरे आसपास के सभी के बच्चे यहीं से पढ़े हैं, शायद आप लोग भी यहीं से पास आउट किया हो आप लोगों ने। उस वक्त जब पढ़ते थे तो यहाँ पे जाती है किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती थी। अब यहाँ पे पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि बच्चों को जाती है प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो शब्द वहाँ पे बोले जाते हैं कि आप चूड़े चमारों के बच्चे हो, आप यहाँ से SLC लो और यहाँ से भाग लो, जो कि वीडियो भी सभी जगह वायरल हो चुकी है, बच्चा रोने लग रहा है। वहाँ पे क्या है कि बच्चों से भेदभाव किया जाता है, मटके रखे हुए होते हैं वहाँ पे, उन बच्चों से उन मटकों के अंदर से पानी नहीं पीने दिया जाता उन बच्चों को, जिनकी भी वीडियो हमारे पास है और पत्रकार साथियों को भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसकी शिकायत की गई थी, सबसे पहले बच्चों ने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप वहाँ स्कूल गए तो प्रशासन ने कहा कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो गरीब घरों के बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने एक बार कह दिया अपना, ठीक हो गया बात। लेकिन जो बच्चे हर रोज़ प्रताड़ित हो रहे थे उस बात से, उन लोगों ने दुखी होकर मेरी एक पार्टी की मुहिम है कोई सताए हमें बताए उसके मार्फत से मेरा नंबर गूगल पे सर्च किया, क्योंकि आजकल बच्चों को लैपटॉप वगैरह या फ़ोन सभी रखते हैं, तो उन्होंने मेरा नंबर सर्च किया और मेरे पास फ़ोन कॉल की उन बच्चों ने। उन्होंने कहा कि अंकल जी हमारे को न्याय दिलवाओ, आप सभी को दिलवाते हो, आप हर स्टेट में जाते हो, पंजाब में जाते हो, आप राजस्थान में जाते हो, आप हमारे को भी सफेदों में रह के न्याय दिलवाओ। तो न्याय दिलवाने में क्या था बेटा, मैं क्या बात हुई है, वो बोलते हैं अंकल हमारे को मटके से पानी नहीं पीने देते। मखा ऐसा है आज के टाइम में, वो बोले हाँ आज के समय में ऐसा है। तो मुझे वो बात विश्वास नहीं हुआ उस बात का। उन बच्चों ने फिर मुझे दोबारा से एक बार फ़ोन कॉल की कि सर आप आए नहीं, मैं बाहर था, मैं दोबारा फिर वहाँ गया तो बच्चों से मिला, उन्होंने रिटर्न में मुझे शिकायत दी 14/7 को। 14/7 के बाद मैंने यहाँ के प्रशासन से बात करना चाहा तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। 16 तारीख को हमने देखा कि यहाँ ग्राउंड के अंदर बच्चों से 2 घंटे लगातार 6 क्लास के बच्चों से घास पड़वाई जा रही है। उसकी मैंने एक शिकायत की 1098 नंबर पे, 1098 पे शिकायत करने के बाद एक टीम गठित की गई और 18 तारीख को वो टीम स्कूल के अंदर आई और उस टीम ने जाँच की सभी जगह की, तो वहाँ पर वाकई में वो मटके रखे हुए मिले। वहाँ पे उन बच्चों के सामने टीचरों के सामने ये कह रहे हैं कि हम पानी नहीं पीने देते, खुद टीचर ये कहता है कि जब कोई बीमार हो जाए तो पी सकता है जिसमें से, वैसे नहीं पी सकता इसके अंदर से, खुद वीडियो के अंदर खुद मान रहे हैं इस बात को। उसके बाद वहाँ पे मिड डे मील का जो खाना था वो कच्चा मिला, वहाँ पे 3 सिलेंडर थे वो खाली मिले वहाँ पड़े हुए, वो मैं नहीं कह रहा, वो भी वीडियो है सारी की सारी। जो जाँच टीम आई उसने ये रिपोर्ट बनाई कि भाई यहाँ पे जातीय भेदभाव हो रहा है, और स्कूल के प्राचार्य हैं जो उन्होंने खुद लिख के दे दिया कि मेरे स्कूल के अंदर जातीय भेदभाव हो रहा है, स्टैंप लगाकर दे दी उन्होंने, जो कि सभी मीडिया के साथियों को हमने दी हुई थी। उसके बाद हमने इसकी शिकायत की और मीडिया का एक बड़ा मैं चौथा स्तंभ इसको मानता हूँ कि आपने जो उस दिन वो चीज़ें अखबारों के अंदर लगाई मीडिया में दिखाया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DC को और SP को, सिर्फ आप लोगों के मीडिया से उस प्रेस के अखबारों को देखते हुए DC को लिखा कि आप इसकी तुरंत प्रभाव से जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हमारे को भेजो। क्या रिपोर्ट में, जैसे 1 सप्ताह का समय मांगा गया था, क्या रिपोर्ट उन्होंने लिपापोची कर दी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जब वीडियो के अंदर है, बाइट हमारे पास है इस चीज़ की, खुद स्कूल के प्रिंसिपल ने लिख के ये दे दिया, तो फिर क्यों नहीं है। वो क्या है कि वो सभी अपना भाईचारा, वही जातीय मानसिकता। मैं यहाँ पे बात करूँ, सफेदों की बात करूँ, तो एक यहाँ पे एक थाने से लेकर ऊपर तक के सिर्फ एक ही जाति के सभी कर्मचारी हैं,
शायद आपको पता, आपके मीडिया के मार्फत से बता दूँ, सभी एक जाति के, उन्होंने वही भाईचारा वहाँ पे बरता और वहाँ पे लिपा पोची करके उस मामले को वहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। यहाँ पे तो ये जागरूक हो गया स्कूल का तो, लेकिन ऐसा बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। और मुझे भी वो धमकी दे रहे हैं कि आपके पास ये गाड़ी है, रोड पे ट्रक चलते हैं, उन ट्रक ऊपर भी चले जाते हैं गाड़ी के। अरे ऐसे डरने वाले नहीं हैं, हम अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, हमारे बच्चों की उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और इस देश के अंदर संविधान नाम की एक चीज़ है, उसको हम मानते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। आज हमने यहाँ पे 24 तारीख को एक जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने प्रशासन को कहा था कि आप जल्द इस पे कार्रवाई करें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। तो आज यहाँ पे एक पहला दिन आंदोलन का, इससे अगला आंदोलन हम जींद में करेंगे। और तीसरा, अगर ये प्रशासन नहीं अपनी आँख खोलता है तो हम है ना CM की जो कोठी है उसका घेराव करने का भी काम करेंगे। उसका घेराव इसलिए करेंगे कि उन्होंने जो अपना निवास स्थान है शेड्यूल कास्ट के वोट लेने के लिए, उसका नाम कबीर निवास रख दिया। कबीर निवास रखने से शेड्यूल कास्ट का भला नहीं होगा। इन कबीरों के बच्चों को, इन वाल्मीकियों के बच्चों को, इन चमार समाज के बच्चों को न्याय दिलाने से हमारा विकास होगा। हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम उस कबीर निवास का भी हम वहाँ पे जाके वहाँ पे घेराव करेंगे। और वहाँ से जो कबीर निवास का जो झूठा फ्रेबी बोर्ड लगा दिया उन्होंने कि हम इनके साथ हैं, उस बोर्ड को उखाड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। कितने तारीख को होगा ये? ये अब आज हमने यहाँ किया है, शाम को हम बात करके, क्योंकि मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे सारे अनुसूचित समाज के यहाँ पे जो संगठन है वो आए हुए हैं, विशेष भीम आर्मी जो संगठन है वो आया हुआ है। इन सभी से बातचीत करके जींद के लिए हम बात रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे अगला पड़ाव। और साथ साथ आपको सूचित करते रहेंगे मीडिया के साथियों को कि हम लोग कब और क्या करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये प्रशासन आज ही उन लोगों पर FIR दर्ज करने का काम करे। और मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान के अंदर एक एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया गया, एट्रोसिटी एक्ट 18A, ये कहता है कि शिकायत जाते ही फर्स्ट सबसे पहले पुलिस ने क्या करना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से उसके अंदर FIR दर्ज कर देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बाद में करें। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा काम कर रहे हैं, पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR अभी तक दर्ज ही नहीं की है। अरे हमारे को कुछ तो संतुष्टि मिले, एक बार FIR दर्ज होगी, बाद में देखते उसमें क्या होता। लेकिन FIR दर्ज नहीं कर रहे वो लोग, तो वो संविधान को, कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, खुद कानून के रक्षक लोग ही उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो न्याय की कहाँ हम गुहार लगाएं। तो यही मेरा निवेदन है आप सभी से कि हमें न्याय दिलाने का काम मीडिया के मार्फत से, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम और उन बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कि आगे किसी के साथ जातीय भेदभाव ना हो। इस मामले को मुख्य रूप से कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? इस मामले को मुख्य रूप से जो स्कूल का प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ पूरे जींद जिले का प्रशासन इसको दबाने का काम कर रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ ये बात, अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते। जब कमेटी ने लिख के दे दिया कि भाई वहाँ पे जातीय भेदभाव है, वहाँ पे मटके मिले हमने खुद उठवाए वहाँ से, बच्चों को मना कर रहे हैं, खुद स्कूल का टीचर ये कह रहा है कि बीमार होते तो पिला सकता हूँ, बच्चों को बीमार होने का इंतजार करता, बीमार होने के बाद पानी पिलाएगा क्या वो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि पूरे जींद का प्रशासन ही लिपापोची कर रहा है और वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। धरना कितने दिन? अगर अभी न्याय नहीं मिलता है फिर क्या रहेगा? हमने आपको बताया कि अभी शाम तक तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने आज ही 9 बजे से 5 बजे तक का रखा हुआ है। बाकी सामाजिक संगठनों से बात करके हम कोशिश करेंगे कि हमें उकसाने का काम ना करे ये प्रशासन, सारा प्रशासन हमें उकसाने का काम ना करे। हम इनको बता देते हैं जिन चमारों को, जिन वाल्मीकियों के बच्चों के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, हम उस कौम के लोग हैं, हमने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया, हम शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं, नहीं तो हम लोग उस कौम के व्यक्ति हैं, हम लोग है ना चमड़े को पाड़ के और पाँव के अंदर जूती डालने का काम करते हैं। तो वो लोग भी तैयार रहें इस बात के लिए, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी खाल पाड़ने का काम भी ये कौम दोबारा फिर से कर सकती है। बस अभी तक 12 बज चुके हैं, सुबह 9 बजे से आप बैठे हुए, प्रशासन का, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ नहीं करेंगे, उनको ये लगता है। अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया है और ना ही वो इसमें कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो जब हमने उनसे परमिशन मांगी बैठने के लिए धरने की, उनको पता है कि स्कूल के लिए है, तो वो कह सकते थे कि जी आप लोग ना बैठे, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, आप ये आके देखिए हमने ये इसमें कार्रवाई की है, हमने पेन ड्राइव के अंदर सारे सबूत उनको डाल के दे दिए हैं। राष्ट्रीय परमिशन ली गई है धरने की, वैसे नहीं बैठे हम, कानून को मानने वाले हैं, हमने इसकी धरने की परमिशन भी ली हुई है, वैसे नहीं बैठे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है कि कल परसों हमारे खेड़ा खेमावती के अंदर एक लड़का मारा गया और मारने के बाद पता नहीं वहाँ देखो आवेशित हो जाते हैं परिवार के लोग, उनके साथ आए हुए लोग आवेशित हो गए, कोई भी बात हुई वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों ने क्या किया कि हीनियस क्राइम में 307 में FIR दर्ज कर दी। इसीलिए हो सकता था कि यहाँ भी हमारे ऊपर कर दें,
कि हम लोग उनके खिलाफ़ बैठे हुए हैं, हमने इसकी परमिशन ली है संवैधानिक रूप से, परमिशन लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं और फिर भी हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। अगला स्टेप हमारा जींद का होगा, वहाँ भी परमिशन लेके बैठेंगे और जिस दिन उस कबीर कुटिया का जहाँ पे सीम साहब बैठते हैं ढकोसला करते हैं कि ये कबीर कुटिया है, उस कुटिया से वो बोर्ड उखाड़ने का काम भी जिस दिन हम करेंगे वहाँ पर, तो आपको सभी को बता के करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। देखिए जो वहाँ बच्चे के साथ घटना घटी जो एक्सपायर हुआ, बड़ी दुखद घटना है, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, वहाँ पुलिस कर्मचारी होगा, उनका काम था जाना ड्यूटी देना, वो गए उसके डर के मारे वहाँ पे बच्चा अंदर गिर गया, तो वहाँ पे क्या था, उनको भागना नहीं चाहिए था, अगर वो अपनी ड्यूटी पे थे तो उसको निकालने का काम उन्होंने करना था, ये उनकी गलती है, लापरवाही है, ठीक है। लेकिन ये एक किस्म से हम इसको है ना, मतलब यही मानेंगे कि ये एक घटना है। उसके बाद जो पथराव पुलिस जो नहीं, पथराव वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं आई, वो बनाई गई है, मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। थोड़ा बहुत हा हुल्ला करते हैं जो पीड़ित परिवार है जिसका लड़का चला गया, जो चार बहनें हैं, पाँच बहनें, उनका एक भाई चला गया, थोड़ा बहुत तो वो लोग करेंगे, ऐसा ही हुआ वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे संगीन धाराओं में 307 में आप बताइए 307 का ऐसा क्या हुआ, कोई गोली चली वहाँ, किसी का टांग टूटी वहाँ पे, ऐसा क्या हुआ कि 307 लगा दी उन लोगों के ऊपर, वो बिल्कुल सरासर गलत लगाई गई है और उसको भी कैंसिल करना चाहिए FIR को। पुलिसकर्मी वैसे तो लगाते नहीं जब गांव में कहीं पथराव होता है किसी के साथ, ऐसा है मैंने बताया ना कि मानसिकता, जातीय मानसिकता, उस जातीय मानसिकता के रहते हुए ही ऐसा किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चीज़ें, ऐसे बहुत सारे मामले हैं हमारे पास। अभी मैं बात करूँ, एक PSI लगी हुई थी सफ़ेद जींद के अंदर, उसके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, 420 का वहाँ पे दर्ज कर दिया उसके खिलाफ़, क्योंकि उस डूल कार से है। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं अभी हमारे पास, राजन सिजलवाना से आए उनके खिलाफ भी, यहाँ जो भी आ रहे हैं बता रहे जी हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, तो अब उनके पास एविडेंस हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो दुर्भाग्य है, ये जो सरकार है ये बिल्कुल सरासर शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जाति कर रही है, ढकोसला कर रही है कि हम आपके साथ हैं। आज क्या स्थिति है पानी पीने को लेकर? बच्चों के लिए अभी क्या है कि जब से हमने ये किया है उसके बाद कुछ ठीक हुआ है, वो हमने घड़े वगैरह वहाँ से उठवा दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को कागज फाइल होगी, पीछे दिखाना मुझे फाइल होगी देना भाई। अभी क्या हुआ कि जो उन्होंने वो घटना हुई, उस घटना के बाद क्या हुआ कि स्कूल के अंदर उन बच्चों से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मुझे उन बच्चों ने शिकायत दी थी, ये दी थी मेरे को 14/7, इस पर डेट लिखी हुई है उन बच्चों ने, वो कहते हैं जी जो ये बच्चे आपने बताए ना ये तो हमारे स्कूल में ही नहीं, लेकिन मैं आपको ये मीडिया के मार्फत से ये बच्चे दिखा रहा हूँ, उनमें क्लास रोल नंबर लिखा हुआ है, ये स्कूल के ही बच्चे। अब अगर उस स्कूल के बच्चे नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं बच्चों से क्या कर लिया, लिखवा के ले लिया कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा स्कूल के अंदर, डरा धमका के उनसे ले लिया। वो बच्चे फिर मेरे पास आए 30 तारीख को फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे से डरा धमका के सर फिर लिखवा रहे हैं कि स्कूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई करने के लिए रोल नंबर नाम सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। और एक बार उनको हाईलाइट कर दीजिए कौन सी क्लास के वो टीचर्स हैं और नाम क्या क्या है। ऐसा है, वो हम नहीं कह रहे, वो स्कूल के प्राचार्य कह रहे हैं, स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल ने लिख के दिया है कि वहाँ पे कोई राजेश जी हैं टीचर हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे सुमन मैडम है कोई वो ऐसा कर रही है, अन्य मेरा स्टाफ ऐसा कर रहा है, हम तो किसी को जानते नहीं, खुद स्कूल का प्रिंसिपल अगर लिख के ये बात दे रहा है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसके स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है जी। बीआरएमसी से जिला पदाधिकारी हैं विजय जी, आप क्या कहेंगे, सभी साथियों को जय भीम, और मैं मीडियम के माध्यम से सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो ये सफीदों के अंदर शर्मनाक घटना हो रही है और जिसका भीम आर्मी और RPI आवाज़ उठा रही है, उसको हम जरूर न्याय दिला के रहेंगे और जो भी ये जातिगत व्यवहार हो रहा है स्कूल के अंदर वो ख़त्म करवा के रहेंगे और जो अध्यापक है उनके खिलाफ़ FIR करवा के और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। ये मांग अभी पूरी नहीं होती तो आपकी आर्मी की टीम काफ़ी लंबी है, कहाँ तक ये मांग उठने वाली है? जैसा कि भाई साहब ने बताया, पहले तो कॉल सफीदों की है ही, उसके बाद जींद की और फिर पूरे हरियाणा की, तो ईंट से ईंट बजा देंगे अध्यापकों की। आप क्या कहेंगे जी? डांट का कोई मामला बता दीजिए, क्या कहेंगे, क्या कहना इस मामले को लेकर के? पहले दिए इस मामले को लेकर के अभी हमारे भाई सुनील गालोत और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई विजय ने बताया, मैं सिर्फ एक चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, प्रशासन अध्यापकों, या तो इन चीज़ों से बाज आए नहीं तो बीमार में को सुधारना था। स्पष्ट तौर पर हम एक बात कहते हैं यहाँ के SDM साहब तक, या तो कार्रवाई करे नहीं तो कुर्सी खाली हमें करवानी आती। अभी हम संविधान के दायरे में रह करके बात कर रहे हैं, नहीं तो हमें मजबूर ना करो कि हमें संविधान को तोड़ करके कुछ बात करनी पड़े। स्पष्ट शब्दों में
मैं चेताना चाहता हूँ आज इस सफ़ेद ध्वज प्रशासन को, आज हमारे सांकेतिक धरना एक दिन एक दिवसीय है, उसके बाद हमने जींद का समय रख रखा, जल्दी हम आपको डेट बता देंगे आज या कल में, नहीं तो तीसरा जो प्रदर्शन होगा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में होगा, और वो क्या होगा वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बीमार में चीफ ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं बार बार अनुरोध इस प्रशासन से यही करना चाहता हूँ, आप हमें मजबूर ना करें, जो संविधान के दायरे में रह करके हम काम कर रहे हैं उन बातों को आप माने, जो लीगल एक्शन उनके खिलाफ हो रहा होना चाहिए इन अध्यापकों के खिलाफ, वो लीगल एक्शन करें, और जो दलित उत्पीड़न की घटना है यहाँ इस जिले में भी और इस प्रदेश में भी बढ़ रही, इनको रोकने का काम भी करें, क्योंकि आज जो ये दलित मानसिकता, जो नीच मानसिकता की सोच रखते हुए हमारे बच्चों के साथ ऐसी घटना कर सकते हैं वो कोई इंसान कहलाने के ना है, और अध्यापक तो बिल्कुल नहीं। तो हमारी मांग है जितना यहाँ का स्टाफ है, हमारे भीम आर्मी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये मांग करती है, जो जितना यहाँ स्टाफ इसको टर्मिनेट करके SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल में ठोकने का काम करें, और जो जो SHO या IU है इनमें, जो पुलिस थाना के जो लोग जिन्होंने अभी तक इन पे कार्रवाई नहीं की, इसे एप्लीकेशन पे हमारे साथियों ने दी, पर्चा दर्ज करने का काम नहीं, उन Section 4 में उनको भी अंदर ठोकने का काम करें, हमारी मांग है यहाँ के SP साहब से और यहाँ के DC साहब से, नहीं तो मैं चेताना फिर एक बार कहता हूँ, नहीं तो हमें मजबूर ना करें, क्यों हमने बड़ा बड़ा कदम यहाँ पे उठाना पड़े जी। मैं एक बात और आप सभी को कहना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एक चौथा स्तंभ बोला जाता है आपको, और आपकी आवाज़ की वजह से ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेके SP को और DC को आदेश दिए थे, तो मेरा निवेदन है कि आप यहाँ के प्रशासन से भी इस बारे में एक बार पूछें कि आप लोगों ने इस मामले में लिपापोची कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इस मामले में, क्योंकि आपके सामने वो सच बताएंगे इस बारे में कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहना कि ये वीडियो आपके सामने रखी गई है, जब प्रिंसिपल्स वहाँ का लिख के ये दे रहा है कि मेरे स्कूल में जातीय भेदभाव हो रहा है, खुद बच्चे रो के ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, शिकायत करता है, जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने ये बात कर दी, तो अब तक उन लोगों ने क्या किया, जींद के प्रशासन ने क्या किया? आप एक बार, मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग इस मामले को लेके उन प्रशासन के लोगों से उनकी बाइट एक बार ज़रूर लें, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। धन्यवाद सभी।